इसका पार्ट टू आएगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं मिलने गया था, कहाँ पे हम मिले थे, कैसा वो था। गाइस, बिना फोन, बिना हमारी बात हुई कि हम यहाँ खड़े होंगे, यहाँ मिलेंगे, और रात का टाइम था, 10:30 बज रहे थे, और मैंने उनको 4:30 लोगों के बीच में उनको ढूंढा, और जैसे ही वो मेरे को दिखे, हाय हाय, ना हम पहले कभी मिले हुए, मतलब एक होता है फोन पे बात होती थी, वीडियो कॉल होती थी, लेकिन एक होता है ना कि दूर से बंदे को दूर देख के पहचान जाए, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है ना भाई, जोर जोर से दिल धड़कने लग जाए कि हाँ बस अब पास में ही है, ऐसा सब कुछ हुआ था तुम्हारे भाई के साथ। तो वो सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी की दास्तान। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो चलो बात करते हैं उस दिन की जब मैं और आयरा पहली बार मिले थे। सो फ्रेंड्स, वो 4 जुलाई 2023 का दिन था, और हमारे मिलने का कोई प्लान नहीं था, और ना ही हमारी मिलने के बारे में कोई बात हुई थी। मैं एग्ज़ाम देने के लिए चंडीगढ़ जा रहा था, सुबह 8 बजे की मेरी नारनौल से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन थी, और मैं 3 बजे चंडीगढ़ पहुँच गया था शाम को, और मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे रुका हुआ था। तो शाम को मेरी और आयरा की बात हो रही थी, तो आयरा ने मुझे बोला कि इतना सैड क्यों हो, इतना चुप चुप क्यों हो, तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला बताओ इतना सैड इतना चुप क्यों हो, तो फिर मैंने बोला कि यार इतना दूर भी आके मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा, इतना पास आके भी मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला अगर देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को हम सुखना लेक चलेंगे। सो फ्रेंड्स, रात को उनकी कॉल आई कि हम नहीं जा सकते, तो फिर तो मैं तो फिर अपसेट हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि इतना सड़ू सा चेहरा मत बनाओ, हम चल रहे हैं, और एक बात ध्यान रखना, मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊंगी, फ़ोन घर पे ही रहेगा, तो हमारा वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, एक बड़ा सा पेड़ है, हम वहीं पे मिलेंगे। उन्होंने मुझे बोला 9 बजे निकलना और 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। मैं तो तभी चला गया था, मैं सुखना लेक पहुँच गया, और फिर जो फ्रंट गेट है उसकी तरफ 500-600 मीटर का वो है, उधर झूले वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो मुझे लगा ये इतनी दूर में ही है, तो मैंने वहाँ पे कभी इस गेट से इधर से जाके उधर से आके ऐसे 5-6 चक्कर लगा दिए, और मैं एक जगह रुक नहीं रहा था। मुझे लगा अगर मैं एक जगह रुक गया ना, क्या पता मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आयरा दूसरे गेट से आ जाए, या दूसरी तरफ खड़े हूँ वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं एक जगह रुक नहीं रहा था, क्या पता मैं यहाँ खड़ा हूँ थोड़े आगे खड़े हूँ मुझसे, तो मैं एक जगह रुक नहीं रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही ढूंढता रहा, फिर मुझे दूर लाइटिंग दिखी, तो मैंने एक से पूछा भैया वहाँ पे क्या है, तो उन्होंने बोला ये सुखना लेक है, 3-4 किलोमीटर में के है, जैसा यहाँ पे है वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो वैसे तो फिर क्या था, मैं तो सोच रहा था क्या पता मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आयरा मेरा वहाँ वेट कर रहे हूँ, तो मैं तो जल्दी से चल दिया, बस ऐसे दौड़ा दौड़ा गया, और फिर वहाँ पे जाके देखा, आयरा को ढूंढा, तो वहाँ भी आयरा नहीं थे। तो फिर मेरा ये था कि मैं इधर आ गया, क्या पता आयरा उधर हो, तो फिर मैं वापस फ्रंट गेट की तरफ आ गया, और ऐसे करते करते मैंने 2-3 चक्कर लगा दिए। जब मैं वापस मेन गेट की तरफ फ्रंट की तरफ आ रहा था, तो ऐसे चलते चलते ही मेरे कदम अपने आप ही धीरे हो गए, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया, और मुझे आयरा की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने मुड़ के देखा तो वहीं पे मेरी जान बैठी हुई थी, उन्होंने अबाया पहन रखा था। फिर थोड़ी देर बाद उनकी फैमिली में से किसी ने उनका नाम लिया आयरा, तो फिर मुझे कन्फर्म हो गया था। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं तो वहीं पर पागल होने लग गया था, मैं तो झूमने लग गया, हाँ बस मेरी जान मिल गई मुझे। फिर उसके बाद मुझे उनको भी कंफर्म करवाना था कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, उन्होंने मुझे देखा है या नहीं देखा है, तो फ़ोन लिया, कान पे लगाया और ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग गया, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे मेरे देखने से पहले देख लिया था, ये बात उन्होंने मेरे को रात को कॉल पे बताई थी। तो मैंने पूछा कि आपने कैसे देखा, बोलो उन्होंने मेरे को दूर से ही देख लिया था, मैं इतना अंधेरा हो रहा था, आपने मुझे दूर से कैसे पहचाना? उन्होंने बोला आपने जब शाम को हम वीडियो कॉल कर रहे थे तो मैंने आपके व्हाइट शूज़ देख लिए थे, मैंने आपके व्हाइट शूज़ से आपको पहचान लिया था। जहाँ पे आयरा बैठी थी थोड़ी दूर जाके वहीं पे मैं भी बैठ गया। फिर फ्रेंड जैसे ही आयरा बैठे थे ना, उनके बिल्कुल ऊपर चाँद था और मैं चाँद को देख रहा था, और सच्ची में आपको बता रहा हूँ, चाँद से खूबसूरत मेरी जान मेरा चाँद लग रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे आयरा उस टाइम। मैं तो बस उनको ऐसे करके देखे ही जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उनकी फैमिली स्नैक्स वगैरह लेने के लिए चली गई, तो आयरा अकेली थी, उनकी फैमिली में से किसी का बच्चा था उनके पास, एक छोटा बेबी था। आयरा ने बच्चे को बोला कि इतने चुपचाप क्यों हो, तो मैं समझ गया था आयरा मुझे ही बोल रहे हैं, तो मैंने भी उनसे बात करने का जरिया ढूंढा, जैसे वो बच्चे के थ्रू बोल रहे थे, मैंने कान पे फ़ोन लगा के ऐसे बात करने लग गया, मेरे को हाँ कुछ नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे इतने पास बैठे हो, इतने करीब हो, सच्ची में एक सपना सा लग रहा है। तो उन्होंने बोला अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो झील में कूद जाओ, पानी में यकीन हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा खेल रहा था, उसका टॉयज़ मेरी तरफ आ गया था, तो मैंने टॉयज़ उठाया, मैं आयरा की तरफ गया,
उनको आयरा से मैंने बोला ये टॉयज आपका बनेरी तरफ आ गया था। तो और जैसे ही मैं उनको टॉयज देने गया, हमारे हाथ ऐसे हुए, जब मैं उनके हाथ में टॉयज रख रहा था तो ऐसे ही ना, तो उनके हाथ से मेरा हार्ट टच हो गया और मेरे तो भाई मैं तो अनबैलेंस हो गया, मैं तो पागल हो गया बिल्कुल, मैं तो उनके छूते ही बिल्कुल पागल हो गया, मैं तो बस पीछे की तरफ गिरने वाला था। मैंने खुद को संभाला और फिर मैं वापस जहाँ बैठा था वहाँ पे आके बैठ गया, अपने आप को बहुत संभाला, वहाँ पे जहाँ पे बैठा था वापस वहीं पे आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद आयरा वहीं पे बैठे रहे, मैं भी वहीं पे बैठा रहा, मैं तो बस ऐसे एक तरफ देख, मैं तो सिर्फ उनको देखे जा रहा था। मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लग रहे थे आयरा, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और मुझे तो सच्ची में यकीन नहीं हो रहा था कि आयरा सच्ची में मेरे सामने बैठे हैं। आप लोग सोच सकते हो कि लूडो से मुझे एक इतना प्यारा शख्स कैसे मिल गया, इतना तो सोच ही नहीं रहा था कि ये सपना है या हकीकत है या सपना है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि 3 फरवरी 2023 को हम पहली बार मिले थे और 4 जुलाई को 5 महीनों बाद हम ऐसे फर्स्ट टाइम मिले थे, फेस टू फेस हमने एक दूसरे को देखा था। तो वो फीलिंग बहुत बहुत मैं बयान नहीं कर सकता वो कैसी फीलिंग थी। मैंने सच्ची में अपने चांद को पहली बार देखा, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी फैमिली स्नैक्स वगैरह लेके आ गई थी, फिर वापस वो भी वहीं बैठ गए, मैं उनके साइड में थोड़ी दूर बैठा था। फिर बैठे बैठे थोड़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, मैं उनको देखता रहा, बस आयरा बोले जा रहे, उनकी फैमिली से बातें करते रहे, मैं उनको देख रहा था। बस मैं तो ये सोच रहा था कि ये टाइम, ये समय, ये घड़ी, ये सब बस यहीं रुक जाए, बस हम यहीं बैठे रहें, यहीं के यहीं सब, मतलब कि मैं तो ये चाह रहा था कि ये टाइम यहीं रुक जाए, बस हम, मैं बस आयरा के पास रहूं, बस इनको देखता रहूं। और थोड़ी देर बाद जिन रिलेटिव के मैं यहाँ पे रुका हुआ था उनकी मेरे पास कॉल आ गई थी कि कहाँ हो, घर पे आ जाओ। तो मैंने ये बात कॉल उठाया और ज़ोर से बोला मैंने फ़ोन उठा के ये बात कि हाँ भाई ठीक है मैं आ रहा हूं, ताकि आयरा को सुन जाए कि मैं घर जा रहा हूं। तो मैंने जब बात ज़ोर से बोली और मैं घर की तरफ चल पड़ा, मैं वहाँ से उठ के चल दिया। तो मैंने थोड़ी दूर आगे चल के मैंने पलट के देखा तो आयरा भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। फिर मैं वहीं पे रुक गया, फिर हम ऐसे आगे पीछे थोड़ा गैप बना के आगे पीछे करके हम गेट तक, मेन गेट तक साथ में आए। फिर आयरा वहाँ से जाने लगी, मैं उनको देख रहा था मेन गेट तक, मतलब कि हम साथ में आए। फिर वो लास्ट जब जहाँ तक मोड़ है वहाँ तक, जब आयरा मतलब कि वहाँ तक गई नहीं, तब मैं उनको एक दफ़ा दस देखे जा रहा था ऐसे खड़े होके, और वो फीलिंग बहुत ही इमोशनली थी क्योंकि मेरी जान मेरी आंखों के सामने से जा रहे थे। तो फिर वो वहाँ से ओछे लोग मेरी आंखों के सामने से देखते ही देखते कब गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं देखते देखते ही बस वो मेरी आंखों के सामने से चले गए थे, और फिर मैं भी घर की तरफ आ गया था। तो फ्रेंड ऐसे ही मिले थे हम, यही हमारी कहानी है। ऐसे ही हम पहली बार, मैंने पहली बार लाइफ में अपनी जान को देखा था, हमारी पहली मुलाकात ऐसी थी, बिना फ़ोन बिना कोई कॉन्टेक्ट इतने लोगों में मैंने आयरा को ढूंढा, और बिना को, और सच्ची में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान को ढूंढा। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और सच्ची में बहुत प्यारे लग रहे थे, और लाइफ में उससे ज़्यादा स्पेशल दिन मेरा लाइफ में कोई नहीं था जब मैंने पहली बार आयरा को देखा था। हमारा मिलने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था कि मैं पहले ही हम प्लान करके रखें कि मैं आऊँगा तब हम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कुछ था सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे ही हम मिले थे, यही हमारी पहली मुलाकात थी। और फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, पहली बार हम ऐसे ही मिले थे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमारी पहली मुलाकात कैसी लगी। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स करवा देते हो तो मैं आयरा से मिलने जाने का पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, नारनौल से चंडीगढ़ का, जहाँ हम मिले थे पहली बार वहीं उसी जगह पर जाके मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, और हर जगह की जहाँ कहाँ हम बैठे थे, कहाँ पर पेड़ था, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा वीडियो बना के। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आज की वीडियो को बस इतना ही, थैंक यू सो मच।